चलिए दोस्तों आगे, और हमारे साथ में बहुत सारे ग्रेट ग्रेट लीडर जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ हमारे शेरों के शेर, बाघों के बाघ सुखराम सर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और हैंड रेज किए हैं। पिछली बार भी किए थे, इस बार भी। तो चाहेंगे प्लीज माइक अनम्यूट करके सर नए वर्ष में क्या संदेश देना चाहेंगे सभी लीडर्स को, कृपया बताइएगा। वेलकम सर डीएक्शन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग डिक्सन, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। गुड मॉर्निंग डिक्सन, नमन वंदन और तरन स्पर्श सभी लीडरों को। आज नया वर्ष का शुरुआत हो चुका है, 2024 का जनवरी 1 तारीख और पहला पहला दिन। और यही आप पहला दिन के में हम अभी से ही शुरू करेंगे, आज ही से शुरू करेंगे। और यही यात्रा आप एक वर्ष तक हम जबरदस्त करने वाले हैं। आप एक वर्ष तक हम सभी लोगों का एक ही दिमाग में एक चीज आना पड़ेगा कि हम अपने अपने टीम को, अपने अपने मेंबर को, अपने अपने सदस्यों को, अपने अपने यूजरों को, कस्टमरों को एक बात करना कहना है कि हम प्लान बनाना जरूरी है। सबसे पहले जब तक हमारे प्लान नहीं रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा प्लान ऐसा होना चाहिए कि एक बरस तक वो करना है, एक बरस तक वो टिके। और उसके नतीजा क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके रिजल्ट आने के बाद, उसके नतीजा आने के बाद तो पता चलेगा। 1 महीने में पता चल जाता है, 2 महीने में पता चल जाता है ये प्लान काम करेगा कि नहीं। और हम प्लान को हम नहीं बदलेंगे, लेकिन प्लान को उसको दिशा चेंज कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और कोई थोड़ा बात हटा सकते हैं, थोड़ी बात उसमें जोड़ सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन हमारा प्लान तो प्लान ही रहेगा। 6/36/2016 का जो प्लान है इसको हम कोई भी बदल नहीं सकते हैं। तो यही प्लान के साथ हम चलेंगे और सभी लोगों को हम डायमंड बनाने के लिए और बनने के लिए, सबसे पहले तो हम बनाने से भी बनना जरूरी है, खुद बनने के लिए तैयार होना जरूरी है। दूसरे वालों से बनाने से कोई नहीं बनेगा, बन पाएगा, खुद बनने से बनेगा। मैं बनूंगा इस तरीके के विचार हमारे अंदर से उभरना पड़ेगा। जब तक नहीं उभरेगा, जब तक नहीं आएगा ये विचार, तब तक हम डायमंड भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को चेंज करने के लिए सबसे पहले प्लान का जरूरी है, तो आज ही प्लान बनाना है और आज ही से फील्ड में उतरना जरूरी है। कौन मेंबर टीम को कैसे बढ़ाने से हम डायमंड बनेंगे, हम करोड़ एम्बेसडर बनने के टारगेट रखेंगे, ये तो सभी लोगों का अंदर से जुनून जुनून जागना जागना चाहिए। जब तक जुनून नहीं जागेगा तब तक हम नहीं आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारा जो जागर उत्साह जो है उसको कम नहीं होने देने के लिए प्रोग्राम लेना जरूरी है, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे वो नेगेटिव फेस करना पड़े चाहे पॉजिटिव फेस करना पड़े। कोई अच्छे से बातों से हमको भुला देते हैं, कोई खराब बातों से भी हमको भुला देते हैं। या अच्छी बातों में हम नहीं भूलना है और खराब बातों में भी हम नहीं भूलना है, ये दोनों बातों को हम चिरफार करते आगे बढ़ना है। एक ही लक्ष्य लेकर हम चलेंगे तो जबरदस्त हम सफल हो पाएंगे। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, हैप्पी न्यू ईयर 2024 एवरीवन, सी यू एट द टॉप इन डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके पूरे घर परिवार को और पूरे दांग बांके बर्दिया जो टीम आपका फैला हुआ है चारों तरफ सभी लोगों को। और कितनी खूबसूरत सी बातें सर ने बताया कि प्लान करके काम करना है और कैसे अपने टीम को आगे बढ़ाना है इस पे फोकस कर लेना है और 12 महीने का प्लान अभी कर लेना है, तो ये चीज हम लोगों को एकदम ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए सर ने कितनी नेक, कितनी अच्छी, कितनी पवित्र बातें बताया। तो जो भी अपने टीम की सोचता है हमेशा भलाई, जो भी अपने टीम को करता है हमेशा हेल्प, जो भी अपने टीम को दिखाता है हमेशा अच्छा रास्ता, जो भी अपने टीम को बार बार संपर्क में रखता है और अच्छे से गाइड करता है वो बहुत आगे जाता है, अपने टीम को भी लेके जाता है और साथ साथ में खुद भी आगे जाता है। इसलिए सभी लोग दूसरों के बारे में सबसे पहले सोचिए, अपने टीम के बारे में सबसे पहले सोचिए, अपना फायदा पहले देखेंगे तो शायद वो ऊंचाइयां ना मिले दोस्त। पहले फायदा देखना है अपने टीम का, अपने ग्रुप का, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, उनका फायदा देखना है, 100% आपका फायदा हो जाएगा। जब करेंगे भला तो हो जाएगा लाभ, जब करेंगे भला तो भला का उल्टा हो जाएगा लाभ। तो भलाई करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे नए साल में, हमारे साथ में एक और साथी हैंडरेज करके यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी को बहुत खूबसूरत सी बातें बताना चाहते हैं। जगदम्बा शर्मा सर कभी से हैंडरेज किए हैं तो चाहेंगे शॉर्ट एंड स्वीट आपका भी मैसेज नए साल में, क्या संदेश है सर आपका, कृपया सभी को बताइएगा। वेलकम, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अशोक सर, गुड मॉर्निंग टीआरएस ग्रुप, गुड मॉर्निंग उपेंद्र साहू सर। नया साल हम लोग के जीवन में, हमारे सभी टीआरएस ग्रुप के लीडरों के जीवन में सुख शांति समृद्धि लेके आए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग खुशहाल रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। और डीएक्शन के फाउंडर डॉक्टर दातुल लिमसिया, जिनको कोटि कोटि नमन। हमारे गुरु रमेश चंद चौधरी को कोटि कोटि नमन, अपने माता पिता को कोटि कोटि नमन कि ऐसा जीवन मिला, डिएक्शन मिला, ग्रेट ग्रेट मिले, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है इस जो हमने स्कूल में पढ़ा ही नहीं। इसके लिए ट्यूशन क्लास है, बहुत ईमानदारी से हम सुने अपने लीडर को, अपने अपलाइन को, एकदम जो बोले उनको पूर्ण तरह से विश्वास करके उनको फॉलो करें, क्योंकि आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जानना पड़ेगा। देखिए, सब कोई सब बात नहीं जानता, सब कोई सब बात नहीं जानता, लेकिन सब कोई कुछ ना कुछ जानता है, सब कोई कुछ ना कुछ जानता है। तो सबकी बातें सुने, जो अच्छी बातें हैं हम लोग अपने अंदर उसको लोड करें, अप्लाई करें, आगे बढ़ें। और मेरा एक बहुत बढ़िया फेवरेट लाइन है, विचार ही विश्व पे राज करेगा, विचार ही विश्व पे राज करेगा। एक विचार डॉक्टर लिम का, एक विचार आज 200 प्लस कंट्री में है, एक विचार, वो क्या है? डिएक्शन, सबको सुख शांति समृद्धि पहुंचाने का विचार। कितना अच्छा विचार, आज के जमाने में कौन ऐसा करता है? जहां मिले उसको लूट लो, इधर रख लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ऐसा विचार अपने डॉक्टर लिम का है कि सबको सुख शांति समृद्धि पहुंचाने का। ऐसे विचार हम भी बनाएंगे, सबको सुख शांति समृद्धि पहुंचाने का, और सबके साथ में हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो जो अगर किसी को हम एक बार पानी पिलाने का काम करते हैं, किसी प्यासे को एक बार पानी पिलाने का काम करते हैं, तो ऊपर वाला हमारे लिए 100 बार पानी पीने का व्यवस्था करता है, हमारे लिए 100 बार पानी पीने का व्यवस्था करता है। इसके लिए अच्छे विचारों के साथ नए साल की शुरुआत करें, सबको सुख शांति समृद्धि मिले। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जगदम्बा सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपकी तरफ से, थैंक यू सो मच। सभी को बहुत ही अच्छे से एक भलाई का रास्ता बताए कि हम जब दूसरे की भलाई करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी भलाई हो जाएगा, ऊपर वाला हमारे लिए 100 गुना ज्यादा व्यवस्था करके रखेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में है सोनी यादव जी प्रतापगढ़ से, बहुत ही अच्छी एक लीडर, एक बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन लेने वाली, समझने वाली, डिएक्शन को दिल से अपनाने वाली और सबको बहुत प्यार से समझाने वाली। वेलकम मैम, डिएक्शन गुड मॉर्निंग, नए साल में सबको संदेश दीजिए अपने तरफ से। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू सर्वप्रथम मैं अपने डॉक्टर लिंसियोजिन सर को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगी, और ये हमारे ग्रुप के टीएलएस ग्रुप के जो संचालक हैं अशोक कुमार यादव सर एंड संभा मैम, हैप्पी न्यू ईयर तहे दिल से आपको, आपकी पूरी फैमिली को, और हमारे उपेंद्र साहू सर एंड उषा मैम सबको गुड हैप्पी न्यू ईयर, और मेरे मम्मी पापा को हैप्पी न्यू ईयर, ऑल पार्टिसिपेंट सर हैप्पी न्यू ईयर। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि जैसे हम सबसे पहले इंसान हैं, इंसान के तौर पे जो लोग सर, कई लोग, सब लोग तो नहीं होते हैं, कि मैं अपनी तरफ से खुद प्रण लेना चाहती हूँ कि अपने अंदर ये 4 गुण पहले अपने अंदर उतारें, विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, और माफी मांगना, और शुक्रिया अदा करना। ये 4 गुण अगर जिसके पास है वो हर किसी के दिल पे राज कर सकता है। तो ये जैसे 4 गुण है, अगर हमारी गलती नहीं भी है, अगर हमारे झुकने से वहां बात बन रही है तो वहां माफी मांग ली, और अगर किसी ने आपका कुछ भी काम, कुछ भी अगर 1% भी किसी की वजह से भलाई हो रही है तो वहां शुक्रिया अदा करना ना भूलें। और मैं 2-4 लाइन बोलना चाहूंगी सर, बोलने में विश्वास मत रखो, कुछ करके दिखाने में विश्वास रखो। हम इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो भाई जो ग्रेट लीडर हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, तो वो तो उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, हमें भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं रखना चाहिए। जहाँ खड़े हों फुल विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहें और करके दिखाएं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का एग्जाम बाकी है, अभी तो तौली है